की खास मुलाकात में हमारी मेहमान है डॉक्टर रुचि गुप्ता, वरिष्ठ नेत्री आम आदमी पार्टी। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आपके आने के बाद आम आदमी पार्टी ग्वालियर में एक नई ऊंचाइयों को छू रही है, इसके लिए आपको कितनी मेहनत करना पड़ी और कितना समय देते हैं आप? ये तो जनता का प्यार है जो इतना पसंद कर रही है आम आदमी पार्टी को मुझे, तो निश्चित रूप से मैं यही बोलूँगी, जब ये महापौर चुनाव मैंने फाइट किया तो तब मैं सच बताऊँ मैं इतना ज़्यादा नोन नहीं थी और पहला चुनाव था जब लड़ी मैं इस चुनाव को, और जैसे ही हमने अपना आम आदमी पार्टी का मॉडल लोगों के बीच में लाया दिल्ली और पंजाब का, तो लोगों को वो काफ़ी पसंद था ऑब्वियसली। उसके बाद यहाँ परेशानी ये थी कि इस मॉडल को मध्य प्रदेश में लाने के लिए मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ी क्योंकि लोग जानते नहीं थे। तो शायद ही महापौर चुनाव जो लड़ा है मैंने 2022 का, इसके बाद आम आदमी पार्टी का एक अलग ही, चूँकि उनका मॉडल दिल्ली और पंजाब का बहुत अच्छा है, शिक्षा मॉडल हो, स्वास्थ्य हो, तो वो जब लोगों तक जन जन तक पहुँचाया तो लोगों ने पसंद किया और अच्छा वोट भी दिया है। तो यही बोलूँगी ये जनता का प्यार है ग्वालियर में जो मुझे इतना पसंद कर रही है, और आगे भी जो अपना तैयारियां हैं वो इन्हीं केजरीवाल जी के मॉडल को लेकर की है। आप पहले जिस पार्टी में थी उस पार्टी को जब लोग छोड़ के भाग रहे थे उस टाइम में आप उस पार्टी को साथ बने रहे और आपने उस पार्टी में भी काफ़ी स्थिरता लाने की कोशिश की, बावजूद इसके आपको पार्टी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, क्या कारण रहे वो? उसका कारण तो खैर वास्तव में बहुत परेशान रही क्योंकि मैंने सीखा नहीं कि मतलब कहीं भी किसी को भी मतलब के लिए छोड़ दिया जाए या फिर अपना लिया जाए। मैंने तो दामन थामा था कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लेकर, पर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा मैं कहूँगी कि जो लोग बैठे हुए हैं वो गलत बैठे हुए हैं। जो एक मॉडल रखा गया था, एक नींव रखी गई थी, उस नींव को तोड़कर और जिस प्रकार की विचारधारा पे लोग चल पड़े हैं तो उससे मैं बहुत विचलित रही और एक साल मैं बहुत डिप्रेशन में भी रही क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी। फाइनली यही सोचा कि जब समाज सेवा करनी ही है तो मेरा अपना एक एनजीओ है उसके माध्यम से करूँगी, लेकिन किसी भी तरह से अपने जो वजूद है उसको मिट्टी में नहीं मिलने दूँगी। तो इसी के चलते मैंने तो जनवरी में इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस पार्टी ने फिर मुझे पद दिया लेकिन मैंने फिर छोड़ दिया, और मैं वास्तव में कहूँगी कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा तो थी ही अच्छी लेकिन इस समय जो उनके जिनके हाथों में है वो भविष्य पूरा समझ लीजिए नरक में जाने वाला है कांग्रेस पार्टी का, ये तय। पार्टी छोड़ के आने के बाद एक नई पार्टी ज्वाइन करना, जो यहाँ पहले से थे इस पार्टी में उन लोगों का कैसा रवैया रहा, उनको कैसे मैनेज किया आपने? हकीकत ये कि मैं जब आम आदमी पार्टी में आई तब जो भी जिन हाथों में थी तो अब उनका क्या था वर्किंग मैं नहीं जानती, पर मैं भी समझ नहीं पाई कि मैं करूँ क्या। आम आदमी पार्टी को मध्य प्रदेश में लोग किस तरीके से लेते हैं मुझे नहीं पता। ये पता था कि केजरीवाल जी कार्य अच्छा कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर मैं एग्जैक्टली ज़्यादा नोन नहीं थी। मैं आ गई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है एक बार चुनाव लड़के देखते, ख्वाब था महापौर का चुनाव लड़ूं, तो सोचा चलिए लड़ते हैं देखते हैं, क्योंकि मैं चूँकि समाज सेवा कर रही थी थोड़ा भरोसा था कि लोग पसंद तो करते ही हैं क्योंकि हम लोग कार्य करते रहे हैं काफ़ी टाइम, चाहे कोविड टाइम रहा हो। मैंने कोशिश यही की कि लोगों तक मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सकूँ, लोगों को सुविधाएँ दे सकूँ। जब चुनाव लड़ा तो तब मुझे समझ आया कि ऐसा नहीं है, आम आदमी पार्टी को भी लोग बहुत पसंद करते हैं और केजरीवाल जी का भी बड़ा एक क्रेज़ है लोगों के बीच में, और आप देखिए ना किस प्रकार से हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश में लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। और फिर पार्टी हो, परिवार हो, समाज हो, हमें विरोध तो सामना करना ही पड़ता है, अपनों से पराव किसी से भी हमें विरोध का तो सामना बहुत करना पड़ता है। एक सत्तारूढ़ पार्टी की महापौर खड़ी होती हैं और एक जो बरसों से जमी हुई पार्टी है उसकी महापौर लड़ती हैं और फाइट में आप आ जाती हैं, तो इतने वोट मिलना निस्संदेह आपकी मेहनत का रंग था। आगे क्या स्कीम है आपकी, क्या आप विधायक का चुनाव लड़ने जा रही हैं या केवल महापौर के लिए ही? नहीं, जब हमने महापौर का चुनाव लड़ा तब भी मैं नहीं जानती थी मैं चुनाव लड़ने जा रही हूँ। मैं तो लड़ गई चुनाव क्योंकि मुझे लगा कि हारने के लिए कुछ नहीं है पर जीतने के लिए यदि एक वोट भी मिला वो अपना है, तो हम जीते ना एक वोट से, तो मैं तो कहूँगी मैं 46,000 वोट से जीती हूँ, मैं हारी तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सही बात है। और जहाँ पर मुख्यमंत्री 3 बार 9 दिन में आए हों, जहाँ पर केंद्रीय मंत्री 9 दिन यहाँ रहे, जहाँ पर पूरी कांग्रेस 70 साल का सब कुटुंब सब लग गया,
वो लोग 2 लाख वोट लेकर आए हैं, तो मैं तो 50,000 वोट लाके मैंने अपने आप में एक यही बोलूँ कि मैं जीती हूँ। बिल्कुल। अब उन लोगों का जो भरोसा है वो मुझे जीतना है, मुझे उनकी कार्य करके देना है, उनकी कसौटी पर खरा उतरना है, तो उसके लिए मैं कार्यरत हूँ, फील्ड पर हूँ, लोगों के पास जा रही हूँ, उनकी समस्याओं को सुन रही हूँ, कोशिश करती हूँ संबंधित जगह पर जाऊँ, उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करती हूँ। अब रही बात आगामी, तो आगामी निश्चित रूप से अगर पार्टी कहेगी आपको चुनाव लड़ना है, मैं लड़ूंगी, वो कहेंगे आपको यहाँ से लड़ना है, मैं लड़ूंगी, मुझे तो चारों विधानसभाओं ने वोट दिया, कहीं से भी मुझे अगर पार्टी बोलती लड़ूंगी। और मैं कहूंगी ये कहना सबसे बड़ा झूठ होगा कि एक पॉलिटिशियन को ये बोला जाए कि तुमको टिकट दिया जा रहा है या तुमको प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है और वो कह दे कि मुझे नहीं बनना, नहीं नहीं मुझे टिकट नहीं चाहिए। तो स्वाभाविक है सबकी कुछ ना कुछ इच्छाएं रहती हैं, पार्टी कहेगी मैं लड़ूंगी, तैयारियां फिलहाल तीनों नहीं चारों विधानसभाओं से हैं, पार्टी जहां से बोलेगी हम लड़ेंगे, पार्टी का सर्वे जहां से बोलेगा, जनता साफ, आदरणीय संदीप पाठक जी जो आए थे सांसद महोदय, उन्होंने साफ कहा है हम टिकट उनको देंगे जिसको जनता हाँ करेगी, हम एक सर्वे कराएंगे, तो जनता जिसको बोलेगी, जनता जनार्दन है, जनता से ऊपर कुछ भी नहीं, निश्चित रूप से। राजनीति में बहुत कम लोग हैं जो स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखते हैं, आपने जी न्यूज 24 के सामने अपनी बात खुल करके रखी, इसके लिए धन्यवाद। आज की मुलाकात में बस इतना ही, आपको फिर किसी ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।